महाराष्ट्र के पुणे से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल शुक्रवार की रात कैंप एरिया में फैशन स्ट्रीट में आग लगने से लगभग 450 दुकानें जलकर राख हो गई हैं, इस तरह की खबर मिल रही है। बता दें आपको, जब फायर ब्रिगेड को इस बात की जानकारी दी गई तो मौके पर लगभग 16 गाड़ियां और लगभग 50 फायर फाइटर जवान पहुंचे और ये भी बताया जा रहा है कि 10 अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर से काबू पाया गया। बताया ये भी जा रहा है कि शुरुआत में तो दमकल की 2 ही गाड़ियां भेजी गई थी, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ भी करने का मौका नहीं मिल सका। बताया जा रहा है कि फैशन स्ट्रीट में जितनी भी दुकानें थीं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 450 दुकानें बताई जा रही हैं जो जलकर राख हो गई। चूंकि सैटरडे संडे का वक्त होता है जिसमें सेल लगाई जाती है, ऐसे में फ्राइडे में फ्रेश माल आता है और फ्राइडे की रात को ही ये पूरा हादसा हुआ, जो ये बताने के लिए काफी है कि कितना नुकसान इन दुकानदारों को हुआ होगा। अब दुकानदारों को महाराष्ट्र के सीएम से उम्मीद है, सरकार से उम्मीद है। दुकानदारों का कहना है कि फ्राइडे को लगभग 3-4 लाख रुपए का माल लगभग हर दुकान वाला अपनी दुकान के लिए खरीदता है। ऐसे में 450 दुकानों का जलकर राख होना, उनका सामान का जलकर राख होना, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तो करोड़ों का नुकसान हुआ है। इन सबके बीच आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें, शुक्रवार रात 9:30 बजे के आसपास फैशन स्ट्रीट में आग लगी थी और लगभग 1:15 बजे देर रात इसको बुझाया जा सका। राहत की बात फिलहाल यही बताई जा रही है कि किसी की जान इसमें नहीं गई है, किसी की जान को इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, अगर फाइनेंशियल तौर पर देखें तो जाहिर तौर पर ये एक बहुत बहुत बड़ा झटका है। बताया जा रहा है कि उद्धव सरकार ने फिलहाल जाँच के आदेश दिए हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर ये आग किस तरह से लगी। वैसे आपको बता दें, अभी कुछ ही दिनों पहले भी इस तरह की खबर आई थी, महाराष्ट्र से ही सामने आई थी। दरअसल शिवाजी मार्केट बताया जाता है जहां पर आग लगी थी और इस दौरान 25 दुकानें जलकर राख हो गई थी। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, ये तो पूरा मामला महाराष्ट्र के पुणे का है। इससे पहले कल ही हमने आपको एक खबर बताई थी, मुंबई के एक मॉल में 3rd फ्लोर पर स्थित सनराइज अस्पताल में आग लगने की घटना सामने आई थी और इसमें जो ये अस्पताल था इसमें 76 लोग मौजूद थे, इनमें से ज़्यादातर कोरोना से संक्रमित लोग थे। 9 लोगों की इसमें मौत की खबर सामने आई थी। अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में इस वक्त कैसे, समझ लीजिए कि किसी की नज़र लग गई है कि क्या हो गया है, क्योंकि एक तरफ कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, एक एक दिन में 35,000 मामले सामने आ रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएँ हर किसी को चिंता में डाल रही हैं। बहरहाल इस खबर से जुड़ी जो भी अपडेट आती रहेगी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।